नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। बॉलीवुड फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। रेमो की पत्नी लिजेल ने बड़े पैमाने पर अपना वजन घटाकर अपने फैंस को चौंका दिया है। जी हाँ, लिजेल का ये वेट लॉस काफी इंस्पिरेशनल है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद लिजेल फैट से फिट हो गई हैं। आपको बता दें, पहले लिजेल का वजन 105 किलो था, लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद लिजेल ने 40 किलो वजन घटाकर अपना वजन 65 किलो कर लिया। लिजेल की ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करने से रेमो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने लिजेल की वेट लॉस जर्नी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की है। रेमो ने लिजेल के साथ अपनी एक पुरानी फोटो और एक अभी की नई फोटो शेयर की है, जिसमें लिजेल का मेकओवर साफ दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ रेमो ने लिखा, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है और मैंने लिजेल को खुद इस लड़ाई को लड़ते हुए और असंभव को हासिल करते हुए देखा है। अब लिजेल ने भी खुलकर अपनी वेट लॉस जर्नी पर बात की है और बताया है कि कैसे वो फैट से फिट हुई हैं। लिजेल ने बताया कि वो इरादों की पक्की हैं और वजन घटाने को उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने बताया कि 2018 में उन्होंने वजन कम करने का फैसला लिया था। जनवरी 2019 से उन्होंने इस पर अमल करना शुरू किया। लिजेल बताती है कि उनके ट्रेनर ने उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरुआत करवाई थी। वो 15 घंटे कुछ नहीं खाती थी और इसको बढ़ाकर उन्होंने 16 घंटे कर लिया था। लिजेल ने कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ दिया था। इस तरह से उन्होंने 15 से 20 किलो वजन एक साल में घटाया था। आगे उन्होंने बताया कि जून में उन्होंने वेट ट्रेनिंग और डाइटिंग शुरू की। लोगों ने उनके वजन में काफी फर्क नोटिस किया। लिजेल लॉकडाउन के दौरान भी वर्कआउट करती रही। इस दौरान वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर काम कर रही थी और घर का बना हुआ खाना ही खाती थी। लिजेल शाम को वॉक जरूर करती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के 15 से 16 घंटे बढ़ाकर उन्होंने 18 से 20 घंटे कर दिए। इस दौरान वो कुछ नहीं खाती थी, दिन में बस एक मील लेती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग में किसी तरह का कोई डाइट नहीं होता। ये खाने का एक पैटर्न होता है जिसमें आपको 12 से 16 घंटे के बीच बिना खाए रहना होता है। इसके लिए आपको किसी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसे आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। आपको ये भी बता दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस तो होता ही है, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बनता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है। इसी तरीके से लिजेल ने अपना वजन तेजी से घटाया। लिजेल ने आगे ये भी बताया कि उन्हें पिज्जा बर्गर खास पसंद नहीं है। चीट डेज में वो चाट, पानी पूरी और सिंधी कढ़ी जैसी चीजें खा लेती थी। लिजेल चीट डेज में कीटो पिज्जा और कीटो आइसक्रीम भी लेती थी, लेकिन लिजेल ये सब चीज अपने ट्रेनर की देखरेख में करती थी। उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह के बिना कुछ भी नहीं किया था। लिजेल साथ ही ये भी बताती है कि उनका वजन 6 किलो बढ़ गया था जब रेमो बीमार थे। आगे लिजेल बताती है कि उन्होंने अपनी वजन घटाने की सर्जरी के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन फिर डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो वापस शेप में आ सकती हैं। लिजेल ने बताया कि रेमो ने और उनके बच्चों ने उनको काफी सपोर्ट किया है, इसीलिए वो ये सब चीजें हासिल कर पाई हैं। वाकई में लिजेल की ये फैट टू फिट जर्नी काफी कठिन रही, लेकिन ये जर्नी इंस्पिरेशनल और काबिले तारीफ है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप भी किसी सेलेब के बारे में और उनके फिटनेस रूटीन, डाइट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।